हमारी समस्या ऐसी है, गए 5 सालों से यहाँ 4 नगर सेवक चुन के आए, 4 नगर सेवक ने यहाँ कभी ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं। आज देख सकते हो रोड की परिस्थिति क्या है। एक तो साहब से भी यही विनती है हमारी कि आप भी एक बार यहाँ आके एक विजिट करें, शांतिनगर में गोविंदनगर में क्या है परिस्थिति। आज लोग चलने के लिए ठीक से जगह नहीं है, गाड़ी आती है ऐसी नहीं कि रोड बनता नहीं, आते थोड़ी मिट्टी डाल के खड्डा बुझा के चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपरली जो काम होना चाहिए वो हो रहा है। होने के बाद उसके बाद में कुछ किए नहीं, उसके ऊपर डाल रहे मिट्टी डाल रहे, लेवल कर रहे, वही मिट्टी जाके गटर में फंस रही है। बारिश में जैसे बारिश गिरनी चालू होती है, वो हिसाब से फिर उसका पानी भी हर घर में घुसना चालू हो जाता है, ना गटर की सफाई हो रही है। ड्रेनेज का काम होने के बाद जो प्रॉपर गटर के अंदर जो मिट्टी गई है उसको निकालना चाहिए। भाई ये कम से कम 1 साल हो गया होगा, ये पानी लगातार 1 साल से रोड पे बह रहा है और ये गटर टूटे हुए कम से कम 8-9 महीना हो गया है। 8-9 महीने में ना ही इसको कोई देखने आता है, ना ही इसके कोई कार्रवाई इस पे होती है। दिन भर में कम से कम 40 से 50 लोग इसमें गिरते हैं, बाइक वाले, रिक्शे वाले, साइकिल वाले, पैदल वाले। बारिश होती है तो कितने लोग इसमें गिरते हैं और अच्छी खासे लोगों को चोटें भी लगती हैं, लेकिन प्रशासन को इसके कुछ भी नहीं दिखता इसमें ना ही। दोस्तों, मैं भिवंडी टाइम से जाहिद मोमिन, आज हम रोड का सर्वे करने जा रहे हैं शांतिनगर KGN चौक से लेकर चांदनी बार कल्याण रोड तक का। ये देखिए KGN चौक से अपन अंदर घुसे हैं, अभी बाबला कंपाउंड की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए रास्ता, बड़े बड़े खड्डे हैं रास्ते में। अभी हम लोग गोभी नगर की तरफ टर्न ले रहे हैं, ये देखिए आप खड्डे देख सकते हैं। ये देखिए जगह जगह पे खड्डा है, पानी है। ये हम अभी गोभी नगर यस होटल के पास पहुंच रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, इस रास्ते की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है आपकी। यहाँ बाइक से या पैदल चलना भी मुश्किल है लोगों को। और अब बाबला की तरफ जा रहे हैं, ये बाबला की तरफ का रास्ता है, बाबला कंपाउंड पहुँच रहे हैं। बाबला कंपाउंड ये देख सकते हैं आप, गटर, ये गटर है, ये यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती है और बीच में इतना बड़ा गटर खुला हुआ है, ये पूरा पानी गटर में ना बहते हुए गटर के ऊपर से बह रहा है। ये देखिए आप, रास्ते में खूब बड़े बड़े खड्डे हैं और खड्डों में पानी है, देखिए आप। हम बाबला कंपाउंड के रास्ते में हैं, यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हैं, ये देखिए इतने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से आती है और रोड की ये ऐसी हालत है, आप देख सकते हैं पूरा रोड खड्डों से भरा हुआ है, रोड है ही नहीं। देखिए आप वो गाड़ी कैसे आ रही है। ये देखिए रास्ते पर मलबा पड़ा हुआ है, ये रास्ता देखिए, ये देखिए गाड़ी का टायर देखिए, देखिए आप इतने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर, गाड़ी सीधी आदमी चला ही नहीं सकता यहाँ इस रोड पर। आप देख सकते हैं कि कितनी रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है, इसकी वजह खड्डा है, देखिए आप खड्डे। ये साइड लेगा तो यहाँ पे गाड़ी पलटी होने का डर है, इसलिए वो सख्त गाड़ी वाला खड्डे में से गाड़ी लेकर आया। ये देखिए
ये अब हम चांदनी बार की तरफ जा रहे हैं, कल्याण रोड पे जो रास्ता मिलता है, ये देखिए उस रास्ते की हालत क्या है। बीच बीच में बड़े बड़े खड्डे हैं और गंदगियों से भरा पड़ा है। ये देखिए कचरा, देखिए आप ये रास्ते पर कचरा फेंका हुआ है। ये देखिए सना कैफे, इसके सामने ये खड्डे, बीच बीच में तो दुनिया भर के बड़े बड़े खड्डे हैं, देख सकते हैं आप। ये खड्डा देखिए, ये साइजिंग है, साइजिंग के बिल्कुल ठीक सामने दुनिया भर के खड्डे, खूब बड़े बड़े खड्डे। और सोचिए कि आदमी इसमें से कैसे जाए, यहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये रिक्शा खड़ी हुई है, और बीच में से जाना है और बीच में खड्डा है, देख सकते हैं आप। अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कचरों का अंबार लगा हुआ है। ये देखिए एम्बुलेंस आ रही है, किस हालत में ये चल रही है आप देख सकते हैं। ये हम चांदनी बार के लग पहुंच रहे हैं अभी, ये चांदनी बार के ठीक सामने का रास्ता है। देख सकते हैं आप ये चेंबर कितना ऊपर निकल चुका है, ये देखिए ये रोड के कितना ऊपर है, कम से कम 1 फीट के ऊपर ये चेंबर निकल चुका है और रोड यहाँ से पूरा बह चुका है। देखिए गाड़ी, ये देख सकते हैं आप, लोगों को गटर के अंदर से होकर आर पार करना पड़ता है। देखिए आइए यहाँ के दुकान वालों से, स्थानीय दुकान वालों से कुछ बात करते हैं कि ये कब से है। भाई ये कम से कम 1 साल हो गया होगा, ये पानी लगातार 1 साल से रोड पे बह रहा है और ये गटर टूटे हुए कम से कम 8-9 महीना हो गया है। 8-9 महीने में ना ही इसको कोई देखने आता है, ना ही इसके कोई कार्रवाई इस पे होती है। दिन भर में कम से कम 40 से 50 लोग इसमें गिरते हैं, बाइक वाले, रिक्शे वाले, साइकिल वाले, पैदल वाले। बारिश होती है तो कितने लोग इसमें गिरते हैं और अच्छी खासे लोगों को चोटें भी लगती हैं, लेकिन प्रशासन को इसके कुछ भी नहीं दिखता इसमें। ना ही रोड का कोई मुआयना होता है, ना ही गटर का कोई मुआयना होता है। पानी कितना भी ऊपर से गिजाए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वोट लेने के टाइम पे लोगों को बराबर दिखता है कि कहाँ किससे वोट लेना है। क्या यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं वो कभी यहाँ से आते भी आते हैं? नहीं नहीं नहीं, उनका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ से, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। ना ही वो ये रोड को पहचानते हैं, ना ही वो गटर को पहचानते हैं। उनको सिर्फ वो जब से जीत गए तब से यहाँ दिखे तक नहीं होंगे। हेलो दोस्तों, मैं जाहिद मोमिन भिवंडी टाइम से। आज हम खड़े हैं गोविंद नगर शंकर मंदिर यस होटल पे, जो वार्ड नंबर 13 लगता है। यहाँ के स्थानीय सोशल वर्कर मनोज भाई ने हमें कांटेक्ट करके यहाँ बुलाया है। आइए जानते हैं इनसे, इनकी कुछ समस्या है। मनोज भाई, हमारी समस्या ऐसी है, गए 5 सालों से यहाँ 4 नगर सेवक चुन के आए, चारों नगर सेवक ने यहाँ कभी ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आज देख सकते हो रोड की परिस्थिति क्या है, रोड के बारे में देख सकते हो, आज ना आने जाने के लिए ठीक से रास्ता है, जहाँ देखो वहाँ खड्डा ही खड्डा है। हम चाहते हैं एक बार नगर सेवक यहाँ आके विजिट करे, सही से देखे क्या है क्या नहीं। आयुक्त साहब से भी यही विनंती है हमारी कि आप भी एक बार यहाँ आके एक विजिट करें कि शांति नगर में, गोविंद नगर में क्या है परिस्थिति। आज लोग चलने के लिए ठीक से जगह नहीं है, गाड़ी आती है ऐसी नहीं कि रोड बनता नहीं, आते थोड़ी मिट्टी डाल के खड्डा बुझा के चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपरली जो काम होना चाहिए वो हो रहा नहीं। इसीलिए आपने
हमने देखा कि ये जो आगे गिट्टी वगैरह डाली गई है खड़ी आगे मंदिर के लग, तो ये यहाँ के लोगों ने डाली है कि कॉर्पोरेटर ने डाली है? ये जब ड्रेनेज का काम हुआ था तब वो निकाल के रखे, उसका कोई होने का ड्रेनेज का काम होने के बाद उसका बाद में कुछ किए नहीं, उसके ऊपर डाल रहे मिट्टी डाल रहे लेवल कर रहे, वही मिट्टी जाके गटर में फंस रही है। बारिश में जैसे बारिश गिरनी चालू होती है वो हिसाब से फिर उसका पानी भी हर घर में घुसना चालू हो जाता है, ना गटर की सफाई हो रही है। अभी ड्रेनेज का काम होने के बाद जो प्रॉपर गटर के अंदर जो मिट्टी गई है उसको निकालना चाहिए, वो निकाला नहीं गया अभी तक, और उसकी वजह से बारिश जब ज़्यादा होती है तो पूरा पानी रोड के ऊपर किसी के घर के अंदर चला जाता है। तो आपने यहाँ के नगर सेवक से कांटेक्ट करने की कोशिश की? नगर से कांटेक्ट करने की जरूरत क्या, नगर सेवक अगर स्थानिक नगर सेवक है उसका एक काम है कि हम आए अपने वार्ड में देखे क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो नहीं आते यहाँ पर, कोई हमको दिखता नहीं। अगर नगर पालिका के किसी को कर्मचारी को बोलने जाए कि हमारे यहाँ गंदगी है साफ करने आओ, तो उनका एक ही जवाब रहता है हमारे पास आदमी नहीं है, आदमी कम है, हम दो दिन में आएंगे तीन दिन में आएंगे, यही बात करते रहते हैं। अच्छा, जो ये रोड की हालत है ये कब से है? ये लगभग हो गया, ड्रेनेज का काम चालू है ढाई साल से चालू है, ढाई से तीन साल हो गया चालू है, तब से ऐसी हालत है। इससे पहला भी हुई थी, उससे ड्रेनेज का काम चालू होने के बाद उससे बदतर हालत हो गई है। दोस्तों आज हम जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ के लोगों की यही समस्या है कि वहाँ के नगर सेवक वहाँ पर विजिट नहीं करते, तो मेरी नगर सेवकों से ये अपील है कि आप अपने एरिया का विजिट करें और वहाँ के लोगों की समस्या को